नमस्कार, मैं तनु और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी। बीते 24 घंटे में ठीक होने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,38,000 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। इससे पहले रविवार को 2.58 लाख केस और शनिवार को 2.71 लाख केस मिले थे। देश में बीते 24 घंटों में 1,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,53,00,000 के पार पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट 94.09% पहुंच गया है, मगर कोरोना के 24 घंटों में 310 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले बढ़कर 17,00,000 हो गए हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8,891 हो गए हैं। SBI की रिपोर्ट में दावा, जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस चला जाएगा ओमिक्रॉन वायरस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनवरी के अंत तक देश में कोरोना वायरस की लहर ओमिक्रॉन के कारण चरम पर होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जितनी तेजी से ये आई है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाएगी। यह रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट की ओर से तैयार की गई है। ग्रुप की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्या कांति घोष का कहना है कि अधिकांश जगहों पर कोरोना के मामले घट रहे हैं। शीर्ष 15 शहरों में जनवरी 2022 में दिसंबर 2021 के मुकाबले कोरोना के नए मामले 37.40% कम हुए हैं। महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े, कोरोना से मौत के आंकड़ों में ज्यादातर लोगों ने नहीं लगवाई थी कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों में ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। 1 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,38,000 नए मामले सामने आए हैं और 310 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 1,57,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। देश में बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा राहत की खबर है, जहां बीते 4 दिनों में संक्रमण की दर में 50% तक की कमी आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर छापा मारा, कांग्रेस का पलटवार। पंजाब में अवैध रेत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। एजेंसी की ओर से जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनमें से एक राज्य के CM चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा भूपेंद्र सिंह हनी भी है। एजेंसी ने मंगलवार की सुबह ही भूपेंद्र सिंह हनी और उसके 10 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पंजाब में वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले इस एक्शन के चलते सियासत तेज हो सकती है। ED की इस छापेमारी को कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का चुनावी दांव बताया है। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अभी ठंड से राहत नहीं, दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में बारिश शीतलहर का अनुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार की रात से रविवार की सुबह तक दिल्ली NCR में बारिश की आशंका जताई है। IMD के सीनियर वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बादल छाए रहेंगे, जिनसे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। IMD के RK जैनामणि ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही पश्चिमी हवाओं के दबाव के कारण NCR में भारी बारिश हुई थी। हालांकि ये विक्षोभ पहले की तुलना में कमजोर रहेगा, जिससे बेहद हल्की बारिश होने के आसार हैं। जैनामणि ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण दिया, WEF के मंच से दी भारत सरकार के गुड वर्क की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए PM मोदी ने दुनिया के सभी देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप नई ऊंचाई पर है, इसका नजारा यहां स्टार्टअप की संख्या से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम से कम किया जा रहा है। अहमदाबाद ने IPL के लिए 3 खिलाड़ियों को जोड़ा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल शामिल। IPL 2022 के लिए अहमदाबाद की टीम ने 3 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या और राशिद खान को 15-15 करोड़ रुपए और शुभमन गिल को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और हार्दिक पांड्या को ही टीम का कप्तान बनाया जाएगा। 22 जनवरी तक IPL की 2 टीमें लखनऊ और अहमदाबाद को 3 खिलाड़ी रिटेन करने थे। अहमदाबाद ने अपने कोचिंग स्टाफ का भी चयन कर लिया है। टीम के मुख्य कोच आशीष नेहरा होंगे। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज
विक्रम सोलंकी को टीम का डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं भारत के पूर्व कोच गैरी कस्टन टीम के मेंटर होंगे। इससे पहले हार्दिक मुंबई इंडियंस, राशिद सनराइजर्स हैदराबाद और शुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।